नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे मैक्स रिच कैप्सूल के बारे में। ये एक सप्लीमेंट है, मल्टी मिनरल मल्टी विटामिन सप्लीमेंट है मैक्स रिच। इसी कैप्सूल के यूज के बारे में, कितना लेना है, कब तक लेना है, क्या कोई साइड इफेक्ट आता है, प्राइस, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। तो मैक्स रिच कैप्सूल की बात करें, इसमें काफी तरह के विटामिन और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ये सिप्ला कंपनी द्वारा बेची जाती है। अब इसके अगर यूज की बात करें, ये मैक्स रिच किस काम आएगी, तो ये चूंकि विटामिन और मिनरल्स होते हैं तो एक तरीके से ये सप्लीमेंट की कैटेगरी में आएगा, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो ये ऐसे लोगों को लिखा जाएगा जिनको लगता है कि इनके शरीर में विटामिन या मिनरल्स की कमी होने की संभावना है, क्योंकि या तो ये अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, इनके खाने में कमी रह जा रही है, या तो किसी बीमारी की वजह से कोई न्यूट्रिएंट कम हो सकता है। तो ऐसे लोगों में जैसे किसी को थकान है, कमजोरी है, सुस्ती लगती है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, भूख कम लगती है, या तो ऐसे व्यक्ति जिनको किसी तरह का ऑपरेशन है, छोटा हो चाहे बड़ा ऑपरेशन हो, ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा खून कम हो जाता है या ऑपरेशन के दौरान खून थोड़ा सा बह भी जाता है, तो उन कंडीशन में लिखा जा सकता है। ऐसे लोग ले सकते हैं जो मांसपेशियां बनाते हैं जिम में जाके, तो उनके भी काम आ सकता है, या गर्भवती महिलाएं हैं, या ऐसी महिलाएं जो बेबी को मिल्क पिला रही हैं। तो ये सब ऐसी कंडीशन होती है जिसमें शरीर में इन मिनरल्स विटामिन की कमी हो सकती है, उस कंडीशन में ये मैक्स रिच को लिया जा सकता है और लिखा जाता है। इसके अलावा डॉक्टर किसी की एज ज्यादा है, कोई बुजुर्ग है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, या ऐसे लोग जिनको कोई क्रोनिक बीमारी है, मतलब उम्र के साथ बीमारियां कई तरह की हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन की समस्या है, लीवर किडनी की समस्या है, ये कोई और क्रोनिक बीमारी है, तो खाना अपने आप कम हो जाता है, उस कंडीशन में ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसा लिखा जा सकता है। तो ये मेल फीमेल में, ज्यादा उम्र के लोगों में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये कोई स्पेसिफिक बीमारी के लिए ये मैक्स रिच कैप्सूल नहीं लिखी जाती, बल्कि एक सप्लीमेंट है। शरीर में अगर लगता है कि मिनरल्स और विटामिन की कमी हो रही है तब इसको लिख दिया जाता है। अब इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे तरह के जो जरूरत के विटामिन और जरूरत के मिनरल्स हैं वो सारे होते हैं, एक आयरन को छोड़ के। तो आयरन इसमें नहीं होता, तो आयरन के लिए एक मैक्स रिच गोल्ड करके भी कैप्सूल आती है, वो सेम कंपनी द्वारा बनाई जाती है, तो उसको लिया जा सकता है। तो अगर अभी मैक्स रिच की कैप्सूल की बात करें जो ज्यादा पॉपुलर है, तो ये इसके अंदर जो विटामिन है वो एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करेंगे, इम्यूनिटी बूस्टर तरह काम करेंगे, कैल्शियम रहता है तो ये आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, या आपकी स्किन है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, ब्लड सेल्स बनाने में मदद करेगा, जो नर्व है उसकी हेल्थ के लिए, स्टेमिना बढ़ाने में, ये सारे इसके एडवांटेज हैं इस कैप्सूल के, और इन सारी बीमारियों में या इन सारी कंडीशन में लिखा जाता है। अब मैक्स रिच कैप्सूल की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें काफी तरह के विटामिन और काफी तरह के मिनरल्स होते हैं। कंपोजिशन वाइज बात करें कि इसमें कितना कौन सा विटामिन होता है, तो जैसे विटामिन B12 है 0.5 माइक्रोग्राम है, विटामिन डी भी होता है 100 इंटरनेशनल यूनिट है, फोलिक एसिड है वो 50 माइक्रोग्राम है, विटामिन ए है उसमें 1600 इंटरनेशनल यूनिट है, विटामिन B6 0.5 मिलीग्राम, पेंटोथिनिक एसिड 0.9 मिलीग्राम, विटामिन B2, विटामिन B1, तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं विटामिन मिनरल्स। विटामिन ई इसके अंदर है 5 इंटरनेशनल यूनिट, निकोटिनामाइड है 15 मिलीग्राम, विटामिन सी है 25 मिलीग्राम, लेसिथिन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, मैंगनीज है, जिंक है, कॉपर है, आयोडीन है, तो इस तरह की इसमें मॉलिब्डेनियम है, तो इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स हैं। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि ये ज्यादातर इसमें जो चीजें हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाली गई हैं, और भी जो मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स आते हैं, जैसे कि अपन ने नाम सुना होगा कि रिवाइटल होता है, या जिंकोविट है, सुप्राडीन है, इसके बेकाडेक्सामाइन है, हेल्थ ओके है, A to Z है, तो ये भी उसी कैटेगरी के सप्लीमेंट होते हैं। तो उनके अंदर कंटेंट या इसके अंदर कंटेंट देखने का सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि किसी भी मल्टी विटामिन कैप्सूल में, जैसे ये मैक्स रिच है, इसमें कितने ये सारे न्यूट्रिएंट्स है, उसके आगे क्वांटिटी आगे एक RDA लिखा रहता है। RDA का मतलब होता है रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, मतलब आपको दिन का कितना चाहिए और इसमें कितना है। तो ये आप देखोगे कि इसमें जो मिनरल्स विटामिन है वो काफी कम क्वांटिटी में है, तो ऐसा नहीं है, इसलिए बड़ा एक जरूरी चीज हो जाता है कि जब भी आप इस तरह के कैप्सूल खाएं तो ये बात बिल्कुल आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर आपको किसी चीज की कमी हो रही है, जैसे कि कैल्शियम की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, तो कमी ये कैप्सूल खाने से नहीं दूर होगी, बल्कि कमी दूर करने के लिए आपको ज्यादा डोज वाला कैप्सूल टेबलेट खाने की जरूरत पड़ेगी। इससे सिर्फ आपको
कमी नहीं होने पाएगी, सिर्फ ये मेंटेनेंस के लिए है कि थोड़ा सा खाने में कम रह जा रहा है तो इसको ले लिया जाए। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आयरन नहीं है, तो अगर आपको स्पेशली आयरन की कमी हो रही है, उसके कारण खून की कमी हो रही है, तो अभी इसको नहीं लेना है, बल्कि दूसरी आयरन की कैप्सूल आती है, इससे मैक्स रिच गोल्ड नाम से एक आती है। पर ये जो अभी मैं इससे पहले बता रहा था कि अगर किसी चीज़ की कमी हो रही है तो इस वाली कैप्सूल से कमी नहीं दूर होगी। अब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट आप ये माने कि ना के बराबर है। कुछ लोगों को सिर में दर्द हो सकता है या पेट में जलन हो सकती है, पेट भारी लग सकता है, गैस बन सकती है, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है तब जब इसको आप एक निश्चित मात्रा में खाएं। ऐसा नहीं कि ज़्यादा क्वांटिटी में आप खाने लगे, दिन के 3-4 कैप्सूल तो जरूर साइड इफेक्ट हो सकता है। डोज की बात करें तो ये ऐसी बनाई गई है कि आपको दिन में एक खानी है, 1 पर डे। और कब तक खानी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि एक क्वेश्चन ये रहता है कि क्या इसको डेली खा सकते हैं, तो आप बिल्कुल डेली खा सकते हो। और कब तक खानी है तो इसकी बात करें तो आप 2-2.5-3 महीने लगातार खा सकते हैं, और उसके बाद फिर गैप करना रहेगा कम से कम 15 दिन, 1 महीने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि ये बस कैप्सूल खाते जा रहे हैं इस कैप्सूल या किसी और कैप्सूल के साथ उसको मतलब जो मल्टी मिनरल्स मल्टी विटामिन होते हैं उनको बीच में गैप देना जरूरी है, नहीं तो शरीर को फिर आदत लग जाएगी, तो आपके खाने में जो रहेगा उसको भी फिर पेट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ये डोजिंग की बात है। कीमत की बात करें तो ये थोड़ी सी महंगी है, 120 रुपये की 10 कैप्सूल आती है। इसलिए मैं बोलना चाह रहा था कि और भी कुछ मार्केट में कैप्सूल आती है, उनको आप कंपेयर कर सकते हैं, उनका रेट थोड़ा कम रहता है। मतलब वो 3-4 रुपये में भी आपको एक कैप्सूल मिल सकती है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें डली हों, मतलब ये सारे कंटेंट डले हों, इतने अमाउंट में डले हों। काफ़ी सारे लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते कि ये जो मैंने बताया इतने सारे होते हैं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि कितनी मात्रा में है और आपको क्या ज़रूरत है, तो इसलिए है। और मैक्स रिच अगर गोल्ड की बात करें जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सेम प्राइस में है, बट उसके अंदर क्या होता है, एक तो आयरन आ जाता है और एक जिनसिंग, आप लोगों ने सुना होगा जिनसिंग, जिससे स्टेमिना बनती है, एक तरह की हर्ब है, जड़ी बूटी है। इसका शरीर में कोई स्पेशल रोल नहीं होता जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर का होता है। जिनसिंग शरीर में ताकत देती है, ऐसा स्टडी बोलती है। ये एक तरीके की जड़ी बूटी हो गई। तो ये मैक्स रिच कैप्सूल के बारे में जानकारी हुई, मैंने ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी। तो आप ये समझें कि कमजोरी, थकान, ऑपरेशन के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, बुढ़ापे में या कोई क्रोनिक बीमारी है तब इसको लिया जा सकता है। और आपके खाने में जो न्यूट्रिशन की कमी है, विटामिन मिनरल्स की कमी है, उसकी पूर्ति के लिए है। लेकिन अगर किसी स्पेशल न्यूट्रिएंट की कमी है तब ये काम नहीं करेगी। उस न्यूट्रिएंट को पूरा करने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में कोई दूसरी टेबलेट कैप्सूल लेना पड़ेगा। थैंक यू।